सूर्यदेव भी क्षत्रियों के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। असत्य। अपनी माता से असत्य कह रहे हो? एक नहीं, आज तुमने तीन तीन विजय प्राप्त किए हैं कर। पहली विजय उसी क्षण प्राप्त हुई जब सूत पुत्र हो गए तुमने रणभूमि में राजकुमारों को ललकारा। दूसरी जब महाराजा ने तुम्हें राजा की पदवी दी। आज तक एक सूत के रक्त को ये दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज एक सूत के मस्तक पर एक क्षत्रिय के रक्त का राज तिलक लगा है। ये तुम्हारी तीसरी विजय है कर। और मैं देख रही हूं वो अनगिनत विजय माला जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ धीरथ, यही मार्ग शेष है। यदि कर्ण अंग प्रदेश का राजा ना बना तो वो दुर्योधन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। आपका राधे और मेरा कर्ण। आपको कर्ण को रोकना होगा दीरा, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र ने एक शस्त्र समझकर अपनाया है। वो कर्ण के माध्यम से मेरे सारे पुत्रों का विनाश चाहता है। यदि आप कर्ण से अंग के राज्य का तिरस्कार करा सके तो मैं उसे आपका पुत्र स्वीकार कर लूंगी। बोलिए अधीरथ, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्रयास करूंगा देवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सबने सुना, अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे। हाँ कर्ण, ना मैं आऊंगा ना राधा। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अधिराज। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो? हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री। देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और ये भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा।
स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद का अधिकार मिला, पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं अंगराज करण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताश्री? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले, परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं करण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूँ राधा। कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। माता, क्या आप सच में नहीं जाएंगे? राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये रहते अंतदेश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री,
कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता बदले ये पल पल। सुख है सुविधा, फिर भी दुविधा, कोई नहीं है सा, राज्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हो। आपने वचन दिया था प्रातःकरण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे। अपने प्रयास में सफल ना हो सके अधीरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा। अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए। समय हो चुका है, अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश
मेरी माता यहां उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राजाभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी कि आज कर्ण की माता बनकर राज्य अभिषेक करने का सम्मान मुझे मिले। मैं कर्ण को बालपन से जानती हूं, उसने भी सदा मुझे मातृव्रत स्नेह दिया है। मुझे कर्ण और अर्जुन के कौशल में कोई अंतर नहीं दिखता। क्या महाराज की अनुमति है? जिसने आपके पुत्र को ललकारा उसका सम्मान करने की आपकी इच्छा हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ाएगी। आपको अनुमति है। माताश्री ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन के शत्रु का सम्मान करेगी वो? अनुज भीम, माता ने वही किया जो एक योद्धा की माता को करना चाहिए। प्रत्येक वीर, शत्रु या मित्र, आदर का अधिकारी होता है। कुंती माता ने सिद्ध कर दिया कि वो कितनी महान है। महिम, अब अंगराज के शीश पर राजमुकुट शोभित करें। पुत्र, राज्य अभिषेक में माता को शगुन मिलता है तो क्या पुत्र मेरी इच्छा थी कि राजपुत्रों के मध्य बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई। कर्ण, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बधाई दूं या चेतावनी। पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोह को स्वर्ण बना देना भिन्न बात है। राजमुकुट में
स्वर्ण होता है, परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निद्रा असंतोष छीन लेते हैं। क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.